हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संयम चोपड़ा एंड इस वीडियो में हम अपनी तमिलनाडु की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और जा रहे हैं टू कन्याकुमारी, द लास्ट टाउन ऑफ इंडिया। एंड मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। तो मैं जा रहा था नागरकोइल से कन्याकुमारी, बस से 1 घंटे का रास्ता है। तो मैंने मैप खोल रखा था कि कितनी देर में हम लोग पहुँच रहे हैं। एंड मैंने जैसे स्क्रोल इन स्क्रोल आउट किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम ये जो बस है ये बिल्कुल मैप के टिप पे जा रही है। एंड बहुत ही क्रेजी रियलाइजेशन था। बहुत अच्छा टाउन है, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं चर्च जाऊंगा एंड देन फेरी पकड़ के हम जाएंगे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जो एक लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो आई होप आप इंजॉय करोगे, एंड अगर इंजॉय करते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ब्लॉग चालू करते हैं। तो मैं अभी नागरकोइल टाउन पहुंच चुका हूं और ट्रेन तो मतलब मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उतरा हूं क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं था ढंग से। तो मैंने पूछा और जल्दी से मैं उतरा हूं। अभी मैं जा रहा हूं यहां के बस स्टैंड, वहां से बस पकड़ते हैं और बारिश हो रही है यहां पे, तो वहां से बस पकड़ते हैं और पहुँचते हैं जल्दी कन्याकुमारी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और मैंने चेक इन करा लिया था, अभी चलते हैं कुछ खाने और उसके बाद देखते हैं कहीं चलेंगे। तो मैं जा रहा था कन्याकुमारी बीच और मेरे को ये चर्च दिख गया। इस चर्च का नाम है आर लेडी ऑफ रैनसम। और देखते हैं कि मेरे को मतलब विजिट कर सकते हैं क्या अभी, और अगर कर सकते हैं तो दिखाता हूँ आपको भी। तो अभी प्रेयर चल रही है अंदर, तो मैंने जाना सही नहीं समझा और वापस से बारिश चालू हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं अपने होटल ही चलते हैं वापस से यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है 1 नवंबर। मैं हूँ अभी कन्याकुमारी में, टाइम हो रहा है कुछ 8 बज रही है और अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है। यार मैं वेट कर रहा था कब से बारिश रुके, पर कोई नहीं, अब इतनी दूर आए तो घूमने तो जाएंगे। तो अभी मैं निकला हूँ, देखते हैं कहाँ चलते हैं। वैसे मेरा प्लान है कि जो टिप है, पॉइंट है, वहाँ पर चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। अब इतनी दूर आए तो जाएंगे तो सही। मैं आ चुका हूँ अभी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में। यहाँ से अभी फेरी जाएगी और वो देखता हूँ, मैं आपको चार्जेस वगैरह बता दूँगा देख के। तो उसमें बैठेंगे और वो टेक्निकली एक लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हम जा सकते हैं मेरे ख्याल से। तो जल्दी से फेरी लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर। तो मैंने अभी फेरी की टिकट कटा ली है। टिकट के चार्जेस थे 2 एंड फ्रॉ 50 रुपीज़, और बस अब वेट कर रहा हूँ लाइन में। और स्पेशल टिकट भी थी शायद 200 की, तो वो भी आप ले सकते हो अगर आपको लेनी है। तो अभी चलते हैं विवेकानंदा रॉक में बोलो। तो ये हाँ, मैं पहुंच गया हूँ फेरी से और यहाँ पे 20 रुपीज़ है टिकट चार्जेस ऊपर जाने के, तो वो मैंने ले लिया है। तो चलो जल्दी से विज़िट करते हैं।
हेलो एवरीवन फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ घूम रहा हूँ कब से, आसपास बस व्यू देख रहा हूँ। और मेरे को बोलना नहीं चाहिए आपको यहाँ पे आना चाहिए, ये वो आपको पता है, यहाँ पे आना ही चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। और जो मेरे पीछे आप स्टैचू देख रहे हैं वहाँ, उसका नाम है तिरुवल्लुवर स्टैचू। वो यहाँ के स्कॉलर थे, तमिल स्कॉलर थे, उनका स्टैचू है। और वहाँ भी हम जा सकते हैं शायद फेरी से, पर अभी क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पे बारिश चल रही है ना। अंदर स्टैचू बना है विवेकानंद जी का, और ऐसा लिखा है कि वहाँ पे वो मेडिटेशन करा करते थे। तो बस यही था, अभी देखते हैं कहाँ जाना है नेक्स्ट। अभी 11 बजने वाली है और मैं अभी भी इधर ही हूँ, तो बस थोड़ी देर में निकलूँगा। और मेरे को एक चीज़ और बतानी थी कि ये वो वाला पॉइंट भी है जहाँ पे अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल तीनों का संगम होता है, तो काफ़ी सेक्रेट भी मानते हैं कुछ लोग इसको। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको अगर कैप्चर हुआ तो वाटर में कलर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो वही है, बस दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो अगर आप डिफर कर पा रहे हो तो जो थोड़ा दूर है वो थोड़ा आपको डार्क ब्लू लगेगा, और ये वाला जो देखोगे आप इसको यहाँ पे जो पास में है वो थोड़ा लाइट ब्लू है। अब मेरे को नहीं पता वो कौन सा सी है और ये कौन सा सी है, पर हाँ यहाँ पे तीनों सी मिलते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, अभी फेरी का वेट कर रहा हूँ रिटर्न वाली की, और थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं यहाँ से।